बेबी छिपू नहीं चाहिए, बेबी साधु चाहिए। समझ नहीं बात की। है क्या कर रही है? मुझे शर्म आ रही है। हम मलो जी रूप मेरे बात सुनो, और कंटेंट नहीं कर रहा तो आज तुम पे प्रैंक करते हैं, एक्सीडेंट प्रैंक। ओ एक्सीडेंट को छोड़ो, हम पता है क्या स्क्रिप्ट ऐसे करते हैं ना, मामा के पास जाते हैं, मामू कहते हैं मामा हमें कहेंगे बच्चा कब ला रहा, मुझे बच्चा चाहिए, तो क्या कहती हो फिर बुला कर लोग रिपीट रिवर्स कर करके देखेंगे हमारा मिलियन सभी व्यूज अप पाएंगे, क्या कहती हो? नहीं सर मुझे शर्म आती है, नहीं सर मुझे शर्म आती है। ओ छोरो वॉशरूम जाते हुए तुम्हें नहीं शर्म आती? ये ऐसे ब्लॉगिंग करके दुपट्टा उतारते हुए तुम्हें नहीं शर्म आती? इस काम में कौन सी शर्म, चलो। हाँ सर ठीक है कर लेते हैं। सॉरी यार ज़्यादा नहीं हो गया, बच्चे बैठा हूँ तमीज से बात की है, तो अगर आपको बुरा लगा हो सॉरी। तो यार ये देखो सिस्टर की बात सुन, ये बच्चा चाहिए सुन के शर्मा भी गया है, और जब ये बाकी अल्लाह की नाफरमानियाँ करती हैं इनको उस टाइम नहीं शर्म आए, तो जब अल्लाह ने पर्दा का हुक्म दिया ये पर्दा नहीं करती, पर्दा किए बगैर बाहर जाती हैं उस टाइम इनको नहीं शर्म आती, इनको अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी जेब से ना मर्दों की बात दिखा दिया ना मैं मर्दों के सामने जाती हैं, इनको नहीं शर्म आती। अजीब बात है यार, पता नहीं ये कब सुधरेंगे। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह इनको हदायत, मैं भी यार वीडियो में बात करता हूँ इनके बारे में और करता रहूँगा। तो औरत जो होती है ना औरत, ये मतलब ना आपको एक बात बताऊँ कि अगर मर्द तालीम हासिल करता है वो अकेला मर्द करता है, अगर औरत तालीम हासिल करती है वो पूरे घर की तालीम होती है। तो यार ये हमारी आजकल तालीमी निज़ाम भी कुछ ऐसे हैं, मतलब यूनिवर्सिटियाँ हो गई, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, आपके सामने क्या सारा सिस्टम भाई कैसे है, एक रट्टा सिस्टम और ऊपर से ये बेजाय वगैरह। तो ऐसा था ना उन्होंने दीनी ट्रेंड को ख़त्म कर दिया, ताजदार ख़त्म बहुत जिंदाबाद, हमने ऐसा ऐसा उसको बुलाना शुरू कर दिया। ये देखो मस्जिद बैठा हूँ, कोई अंदर आपके फीलिंग तो अच्छी आ रही होगी मस्जिद के अंदर बैठो, मतलब अल्लाह की तरफ अरे जो कर रहे होंगे आप। तो यार ये बात है ना कि हमारा इबादत से यह देखो अभी जमात करी होगी, इधर एक दो सफ़े होंगी मुश्किल से, किधर जाते हैं बाकी लोग, जाके रमज़ान में जो सफ़े बढ़ जाती हैं। तो मेरे भाई टकी भाई ने इतना कामयाबी उसको अल्लाह दिया ना, उसने 7 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिया और वो 7 मिलियन पता नहीं कौन लोग हैं कैसे लोग हैं, एक सब्सक्राइबर मैं भी हूँ आपका, ठीक है मैं आपको पसंद करता हूँ लेकिन आपके हरकत को नहीं पसंद करता, मतलब ना आप ना ब्लॉगिंग में इतने गंदे का मजाक करते हैं, ये जो डके भाई की आइडिया दे रही है ये बता सकती है। तो खैर आज छोटी बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं, और डके भाई जितने भी फैमिली ब्लॉगर हैं एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेक गुड कंटेंट, प्लीज़ मेक गुड कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट बताओ लोगों के दिल में आपकी वजह से मातजा हो, वो अपने अल्लाह की तरफ आए। देखो ये जो आप सब जो वीडियो पे क्लिक करके आए हैं यकीन आप यंग एज के होंगे, अभी आपकी ग्रोथ की जाए, तो मैं आपको मशवरा दूँ आप ना मतलब जो आप अल्लाह से रब्ता इस उम्र में कायम कर लेंगे ना आपकी सारी जिंदगी आसान होगी। सही बात है, एक मेहनत नहीं छोड़नी, एक अल्लाह से ताल्लुक नहीं छोड़ना, एक सब्र पे आजमाइश पे सब्र नहीं छोड़ना, ठीक है इन देखना ये 3 बातें, सब्र पे आजमाइश नहीं, आजमाइश पे सब्र नहीं छोड़ना और अल्लाह से रब्ता नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़नी, आप यकीन मान डे भाई इन सब से आगे जाओगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह से रबते होंगे ना तो हम देरों में भी रास्ते होंगे। जज़ाकअल्लाह बात सुनने के लिए, इस तरह मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ, अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉग बना लिया था अब्दुल्ला के साथ, ठीक है मेरा छोटा कज़न है, वो आजकल वीडियो में नहीं आ रहा क्योंकि वो अपने घर में अपने घर, तो आप ना वीडियो आप देख रहे हैं वो ब्लॉग भी देखना, मैं तो ब्लॉग में भी आप इंटरटेन होंगे। और जब छोटे बच्चे हैं ना इनकी तरबियत सही नहीं हो रही, मैं देखा है ये गली के बच्चे गालियां कर, खैर मतलब डके भाई अल्लाह आपको हदायत दे आमीन। तो आप वला पूरा देखना और भाई को सपोर्ट कर दो, 1000 सब्सक्राइबर पता नहीं कब होंगे, चलो अल्लाह की मर्जी। 1 2 3 एंड गो टू द व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ जो बात है शुरू की तो वो आपको सुनी होगी,
तो आप बारी अब ब्लॉग बनाने की। तो अभी मैं पेपर दे के आया हूँ, पेपर कमाती पूछ पास हो ऐसे नहीं तो हो जाएगा सारे फेल है मैं अल्लाह करेगा। तो यार आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी पढ़ना है वो ना यार। वाले कितने बच्चे हैं तकरीबन चार चार और आप जाते हैं तो शायद हमें इधर तक क्या आप कह रहे हैं बस पे जाते हैं 11:30 बजे छुट्टियां होनी है वैसे तो अभी तो यार लंबा सफर है काफी तो वेट करना पड़ेगा काफी देर उसके बाद जाते हैं यार। जुम्मा था जुम्मा स्पेशल व्लॉग भी बनाना था चलो तो शायद तो और कोई नहीं था ओ नहीं था कह रहा हूँ ये देखो देखते हैं यार अभी क्या होता है। अभी हम बाहर वाले हैं आप पेपर दे क्या क्या आप हल्पी दे के वो जो यार वाले हैं वो अभी पीरियड ज्वाइन कर रहे हैं देख फिर क्या होता है ठीक है। देखो वो सारे जा रहे हैं पेपर दे के देख सही बात है बैठ बैठ के हालत टाइट हो गई। अभी तो खाली जा रहे होंगे मेरे पास दूसरी मोबाइल नहीं आनी तो आपको टाइम दिखाता अभी घंटा इनको पड़ा छुट्टी का काम तो खराब है यार। अभी कल आज जुम्मे ना इनको 12 बजे छुट्टियां होनी कल 12:40 पे होनी है और हमारे 10:30 पेपर एंड हो जाता है तो हम क्या करेंगे यार। यार उस भाई को गर्मी लगती है ना तुझे बस तो देखते हैं अभी फिर क्या होता है बैठ बैठ के हालत दुर्गो के देखे कितना गर्म ये देखे इन्होंने जुम्मे वाले दिन गाने गाए होंगे मैं इधर बाहर आके बैठ गया इनको मैंने क्या गाने नहीं करवा जुम्मे वाले साथ में दे। ये देखो ये तीन भाई अपनी चुगले मार रहे हैं और वो गाल को छुट्टी होने वाली है हमारा पता नहीं क्या होगा यार अजीब मैं पानी पी जाऊंगा तो ये भाई बैठे हैं मैं क्या दुकान तू भी चवल ही पर यार आप क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो यार सो बंद कर दो तुम्हारी मेहरबानी गाने बंद कर दो शुक्र देखो यार सारी गाल पे चल गई यार छुट्टी हो गई यार हमारे लौंडे अभी तक दे गए ओए आ जा बच्चों सौदी गड्डी बाद यार अजमेर गए हो
की फर्क पिया तेनू मेरे जज्बातां दा मेरे लिए तू चन पर आप मैं तारा सी तेरी नजरां छावे लखां टुट दे गया की लेनी सार ते बन दी यार सी दिलों बिच रखे क्यों एहसास ने कलम मेरी थोड़े अलग हमारे पट्टी साहब है बाकी कहाँ है बाकी आ रहे हैं यार हमें दो घंटे हो गया बैठ चल गए कली मुहार प्यार करी